काले रंग से बना स्वास्थ्य बच्चा आएगा बुरी नजर से, जाने हर रंग का लाभ। अपने घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। अधिकतर लोग गणेश जी के प्रतीक स्वास्तिक को बनाते हैं, ऐसा मुख्य द्वार पर किया जाता है। पूजा के दौरान भी शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है। अधिकतर स्वास्तिक लाल रंग से बनाया जाता है, मगर आज हम आपको अलग अलग रंगों से बने स्वास्तिक के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन से रंग से बना स्वास्तिक क्या लाभ देता है, तो आइए जानते हैं। अधिकतर लोग स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। इसे घर के ईशान या उत्तर दिशा की दीवार पर बनाया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांत का वास होता है। घर में किसी भी शुभ कार्य के लिए लाल रंग से स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसमें केसर, सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि का प्रयोग किया जाता है। वही गृह प्रवेश या किसी शगुन के काम में लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाया जाता है। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में सुख शांति आती है। पीला स्वास्तिक अच्छी सेहत के लिए बनाया जाता है, घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। वही अगर किसी को बुरी नजर लग गई हो या बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में घर के मेन गेट पर कोयल से स्वास्तिक बनाया जाता है। वही अगर रात को अच्छी नींद और बुरे सपनों से बचने के लिए सोने से पहले तर्जनी उंगली पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर सोएं। ऐसा करने से नींद अच्छी आती है, साथ ही बुरे सपने भी नहीं आते हैं।